न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आईजी कमिश्नर एसएसपी सहित जीआरपी आरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किया रेलवे प्लेटफॉर्म व ट्रेनों की सघन चेकिंग। आईजी ने कहा संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर दें 100 नंबर पर सूचना, पुलिस होगी आपके साथ। एसटीएफ गोरखपुर की फील्ड यूनिट ने स्वास्थ्य ऑनलाइन सेंटर नौसर से एक मुन्ना भाई नॉलेज कुमार को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन सेंटर की भूमिका संदिग्ध। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कहा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से होगा महिला सशक्तिकरण। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना व पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार। सीओ कोतवाली ने कहा गिरफ्तार अभियुक्तों में दो व्यापारी व एक पल्लेदार शामिल। गोरखपुर एयरपोर्ट में किया गया मॉक ड्रिल। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों की गई समीक्षा। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई एंटी रोमियो एवं सभी थानों के हेड मुहर्रिर व क्लर्क की बैठक। थाने पर आए फरियादियों से उचित व्यवहार किए जाने सहित दिए अन्य आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगाया सदस्यता अभियान कैंप। लोगों को दिलाई भाजपा की सदस्यता। स्वावलंबी योजना के तहत सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं और छात्राओं को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एनएसएस की ओर से दो दिवसीय रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कुलपति ने कहा रक्तदान है महादान, कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है रक्त देने से। सैनिक भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखी तो खिल उठे चेहरे। किसी जवान की आंखें हुई नम तो किसी के चेहरे पर खुशी लगी झलकने। सुप्रिया की सोच ने बदल दी अमीरी और गरीबी की परिभाषा। जनता फ्रिज के माध्यम से अब गरीब भी ले सकेंगे लजीज व्यंजन का स्वाद, पहन सकेंगे अच्छे कपड़े। और इनर व्हील क्लब की ओर से मनाया गया आजादी का जश्न। सदस्यों ने किया रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति।